सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बेटा बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर एक का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। उस सेकंड पार्ट है, उसका नाम है इनोलेट द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण या सिंथेसिस। तो बेटा इसमें सबसे पहले बेटा आप ये बताइए कि ये क्या है आपके सामने स्क्रीन पर? कार्बन कार्बन है। इस कार्बन के साथ में चार हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं तो किसका निर्माण हो गया? मीथेन। मैथेन का। तो आपने कहा सर CH4 का नाम है मैथेन, क्लियर? यस सर। इस मैथेन में से बेटा अगर एक एच रिमूव कर दिया जाता है तो शेष बचा समूह क्या कहलाएगा? मेथिल। मैथिल कहलाएगा, क्लियर हो गया। उसी के साथ मैं बोलता हूं यदि एक एच परमाणु और निकाल दिया जाए तो अब इस समूह का नाम होता है मैथिलीन समूह। क्या नाम है? मेथिलीन समूह। अच्छा तो ये बताओ मैथेन जो है उसमें से कितने एच निकालने पर मैथिलीन समूह का निर्माण हुआ? दो एच। दो एच निकालने पर। तो यहां से अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यस सर। तो मैं ऐसे बोल दूं कि जब मैथेन में से दो एच परमाणु को निष्कासित कर दिया जाता है तो शेष बचे समूह को मैथिलीन समूह के नाम से जाना जाता है, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने ये कहा कि सर CH2 समूह के दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है तो इस समूह का नाम क्या कहलाता है? मैथिलीन समूह। मैथिलीन समूह कहलाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मैथिलीन समूह के दोनों तरफ क्या बोल दिया? मैथिलीन समूह के दोनों तरफ अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह जोड़ दिया जाए। कैसे समूह जोड़ दिए जाए जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा या कम है? ज्यादा है। तो मैं कहूंगा इस मैथिलीन समूह के दोनों तरफ यदि प्रबल विद्युत ऋणी समूह जोड़ दिए जाए, ठीक है? तो प्रबल विद्युत ऋणी जो समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं या धक्का देते हैं? खींचते हैं। खींचते हैं। तो मैंने क्या किया, इस मैथिलीन के इन दोनों एच को थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना? तो ये बताओ अभी आपने कहा कि सर ये जो समूह होते हैं प्रबल विद्युत ऋणी ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। खींचते हैं। तो कार्बन से जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये तो कार्बन पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश। अच्छा कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या घट गई? घट गई। घट गई। तो ये क्या करेगा, ये पड़ोसी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये बताओ आपस से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी? हो गई। लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आवेश आ गया? पॉजिटिव। अच्छा तो ये बताओ यहाँ से हाइड्रोजन किसके रूप में जा पा रहा है? एच प्लस। और एच प्लस के रूप में किसकी वजह से जा पा रहा है? प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु की वजह। तो मैंने क्या बोला कि अगर इस मैथिलीन समूह के दोनों तरफ अगर प्रबल विद्युत ऋणी समूह जोड़ दिए जाएं तो ये क्या करते हैं, इस मैथिलीन समूह में से आसानी से किसका निष्कासन कर देते हैं? एच प्लस आयन। एच प्लस आयन का या प्रोटोनों का निष्कासन कर देते, क्लियर? यस सर। अब बेटा ये जो समूह है जो अभी आपने बताया था मैथिलीन समूह, तो ये मैथिलीन समूह न कहला करके इसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया जाएगा, कौन सा मैथिलीन बन जाएगा? सक्रिय मैथिलीन समूह।
सक्रिय मैथिलीन समूह का मतलब है ऐसा मैथिलीन समूह होता है जो अपने प्रोटॉन को या अपने हाइड्रोजन को एच प्लस के रूप में आसानी से त्याग सकते कि नहीं त्याग सकते। ठीक त्याग सकते हैं। है, तो ये कौन सा समूह कहलाया अब? सक्रिय मैथिलीन समूह। सक्रिय मैथिलीन समूह। एक उदाहरण और दिया जाए? यस सर। चलो बेटा, तो ये इसी के साथ मैंने क्या बोला, ये सी के साथ ये लिख दिया मैंने, एक एग्जांपल और लिखा वापस से। सी के साथ में दो एच हैं और दोनों तरफ फ्री वैलेंसी हैं, तो पहले तो मेरे को इस समूह का नाम बताओ। मेथिलीन समूह। सर मैथिलीन समूह आपने बताया था, मैथिन। दो एच परमाणु को निष्कासित करने के बाद जो समूह बना उसे मैथिलीन समूह बोलते हैं। क्लियर? यस सर। अब मैंने इसके इस साइड में बेटा ये जोड़ दिया, कैसा समूह, प्रबल विद्युत ऋणी या दुर्बल? परबल विद्युत ऋणी। अच्छा, और इस साइड में भी कैसा समूह जोड़ दिया? परबल विद्युत ऋणी। तो ये बताओ, इन प्रबल विद्युत ऋणी समूह की वजह से ये मैथिलीन अपनी एच को किसके रूप में निष्कासित कर सकता है? एच प्लस के रूप में। अब ये मैथिलीन समूह कहलाएगा, इससे पहले कोई और शब्द लगा सकता हूं, सक्रिय मैथिलीन समूह। ये कहलाएगा सक्रिय मैथिलीन समूह। तो मैथिलीन और सक्रिय मैथिलीन समूह में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यस सर। तो मैथिलीन का मतलब तो सर मैथिन में से दो एच हटा दो, और सर सक्रिय मैथिलीन का मतलब उनके दोनों साइड में कैसे समूह जोड़ेंगे, अधिक विद्युत ऋणी समूह। समूह। अभी अधिक विद्युत ऋणी समूह जोड़ने के बाद में इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। इनका स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो स्थायित्व कैसे बढ़ जाता है वो अभी आपको बस समझा रहा हूं, दूसरे तरीके से लाओ। मान लिया जाए पुनः मैंने केस ले लिया, इस कार्बन के साथ में दो एच परमाणु है, दोनों तरफ वैलेंसी है, तो सर ये कहलाया आपका मैथिलीन समूह, राइट? यस सर। इस मैथिलीन समूह के दोनों तरफ यदि मैं अधिक विद्युत ऋणी या प्रबल विद्युत ऋणी समूह को जोड़ देता हूं, तो अब ये मैथिलीन कहलाएगा या सक्रिय मैथिलीन कहलाएगा? सक्रिय मैथिलीन समूह। अब आप सुनो, सक्रिय मैथिलीन समूह का मतलब क्या है, ये इस मैथिलीन में से आसानी से किसको निष्कासित कर सकते हैं? एच प्लस को। मान लिया जाए यहां से इस एच को किसके रूप में निकाल दिया, एच प्लस के रूप में। एच प्लस के रूप में, तो यह आया सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये फ्री वैलेंसी। तो बताओ इस कार्बन के ऊपर कैसा आवेश आएगा एच प्लस जाने के बाद? नेगेटिव। आएगा। अभी ऐसा होने के बाद में यहाँ पर किसकी कंडीशन लग रही है मालूम है? अनुनाद की, रेजोनेंस की। ठीक है, तो यस सर। ये बताओ बेटा कि यहाँ पर आपने क्या देखा सर, डबल बॉन्ड सिंगल और नेगेटिव एकांतर क्रम में है या नहीं है, तो है होगा। अनुनाद होगा कि नहीं होगा? ये बताओ सी और ओ में से बंध कैसे टूटेगा, सी से ओ की ओर या ओ से सी की ओर? सी से ओ की ओर। ये मैंने सी से ओ की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी, राइट? यस सर। ओ पर चार्ज क्या आएगा नेगेटिव। और कार्बन पे, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर के क्या कर लेंगे? लाओ, डबल बॉन्ड। तो यहां बना दूं यस सर। सी, और नीचे डबल रहेगा या सिंगल? सिंगल ऊपर चार्ज क्या आएगा, बीच माइनस में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। सी और ये एच, और ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये इसकी अनुनादी संरचना बनी कि नहीं बनी? यस सर। इसी प्रकार हो सकता है कि ये सी और ओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, राइट? यस सर।
ये डबल बॉन्ड सिंगल और नेगेटिव एकांतर क्रम है, इस साइड से भी अनुनाद होगा नहीं होगा? होगा। होगा। तो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, और इसके बीच में कैसी बॉन्डिंग? डबल बॉन्ड और सी सिंगल, और नीचे क्या आएगा? सिंगल है डबल है, और सिंगल ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। हम ये कह सकते हैं कि अधिक विद्युत ऋणी समूह के कारण सक्रिय मैथिलीन, वापस से सुनना बेटा, इस समूह का नाम क्या बोला हुआ है? मैथिलीन। लेकिन दोनों तरफ अधिक विद्युत ऋणी समूह है, तो इसका नाम क्या बोल रखा है? मैथिलीन समूह सक्रिय मैथिलीन समूह क्या त्याग देता है? H+ और एच प्लस त्यागने के बाद में क्या बनाता है? कार्बनायन या कार्बोनायन? कार्बरिनायन कार्बोनाइन में अनुनाद होता है कि नहीं होता है? अनुनाद होता है, की वजह से स्थाई होता है या अस्थाई होता है? यहाँ स्थाई होता है। तक अब कोई डाउट है तो बताओ, देखा कोई भी बच्चा? नो सर। क्लियर हो गया? उसका क्लियर है बेटा? चलो ठीक है शशि। अच्छा बेटा, किसी को भी अगर डाउट हो तो आप राइज हैंड करके हो मेरे को अवगत करा सकते हैं, ठीक है? मोन, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपके? अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक, रही ठीक है ना, तो आप लाइव में भी आ जाओ। अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ आपका, तो ये था आपका मैथिलीन समूह क्या है, सक्रिय मैथिलीन समूह क्या होता है, और इसके स्थायित्व के बारे में भी बताया मैंने, ठीक है ना, कि मैथिलीन क्या था, सक्रिय मैथिलीन क्या था, और इसका स्थायित्व अनुनाद की वजह से कैसे क्या हो पाता है। यहाँ तक आप समझ पाए? अब यस बेटा, अब अगला जो टॉपिक आता है आप लोगों का, वो आता है एथिल एसिटो एसिटेट। क्या बोला मैंने? एथिल एसिड तो एसिटो एसिडेट। एसिटेट, ठीक है बेटा, या एथिल एसिटो एसिटेट को क्या बोल सकते हो? एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या नाम बताया? एसिटो एसिटिक अच्छा, अब सर ये एसिटो एसिटिक एस्टर की फॉर्मेशन कैसे क्या होती है, पहले आप हमें इसका स्ट्रक्चर बताओ लाओ। तो सबसे पहले बात आता है एसिटो एसिटिक एस्टर को समझाने से पहले ये बताइए, ये क्या है? कविता बेटा, उसका नेटवर्क डाउन हो गया, आप अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं। कार्बन कार्बन। है, इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया और दोनों तरफ फ्री वैलेंसी लगा दी, अब इस समूह का नाम क्या है? कार्बोनिल समूह कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह के साथ में OH लगा दिया जाता है, तो अभी कौन सा समूह बन गया? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह। समूह बन गया। और इस कार्बोक्सिलिक समूह के इधर एक H लगाया तो कौन सा अम्ल है ये? फॉर्मिका में वेरी गुड। और बेटा यहाँ CH3 कर दिया जाए तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, इस एसिटिक अम्ल में से एक एच को एच प्लस के रूप में रिमूव कर दिया, एक एच को किसके रूप में? H+ के रूप में। अब आपके पास ये जो समूह बना है वो एसिटिक अम्ल है या और कोई सा समूह है? ये एसीटो समूह। एसीटो नहीं बेटा, एसिटेट आयन बन गया। अभी क्या बन गया? एसीटेट आयन। एसिटेट आयन, ठीक है ना, तो हम लगाएंगे एक अमल की जगह एट आयन लगा देंगे, होगा क्लियर? यस सर। जैसे फॉर्मिक अमल है तो फॉर्मेट आयन, एसिटिक अमल है एसिटेट आयन, प्रोपियोनिक अमल है प्रोपियोनेट आयन, समझ गए? यस सर। अच्छा, अब गुड़िया देखो, यहां से मैंने क्या किया, इसके साथ में एसिटेट आयन के साथ में एक आर जोड़ दिया, एल्किल समूह। यस सर। ये बताओ सी ओ आर, बोले तो सी डबल ओ आर, अब कौन सा क्रियात्मक समूह बन गया?
एस्टर। एस्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है। और इस एस्टर में भी इस आर की जगह अगर मैं एथिल समूह जोड़ देता हूँ, कौन सा जोड़ दिया? एथिल समूह। एथिल समूह जोड़ दिया तो ये हो गया आपका कौन सा, अब एथिल एसिटेट हो गया, राइट? यस सर। ये बन गया आपका एथिल एसिटेट। क्या बन गया? एथिल एसिटेट। लेकिन यहां से क्या किया गया है कि यदि एक एच को हटा दिया जाए, एसिटिक अम्ल में से हटा दिया, यस सर, और उसके साथ में बेटा सी एस थ्री सी डबल ओ समूह जोड़ा जाए, बोले तो एसिटो समूह जोड़ा जाए, अब इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है एथिल एसिटो एसिटेट। क्या नाम हो गया? एथिल एसिटो एसिटेट। अच्छा, ये अपने पास में याद कीजिए जरा, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये समझाया था ये पूरा ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाता है, एसिटिक एस्टर, और इससे आगे जो समूह जोड़ा उसे क्या बोल दिया, एसिटो। एसिटो पूरा नाम क्या हो गया, एसिटो एसिटिक एस्टर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब गुड़िया ये बताओ बेटा, यहाँ पर आपने एसिटो एसिटिक एस्टर बताया तो इसमें एक CH2 समूह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये जो CH2 समूह है वो कौन सा समूह कहलाया? मेथिलीन समूह। मेथिलीन समूह कहलाया। इस मेथिलीन समूह के दोनों तरफ अधिक विद्युतीय समूह है या कम है? अधिक विद्युतीय। अधिक विद्युतणी है। तो जब अधिक विद्युतणी समूह है तो ये बताओ ये मैथिलीन समूह अपना प्रोटोन आसानी से त्यागेगा मुश्किल से? आसानी से। अब ये मैथिलीन कैसा मैथिलीन है? सक्रिय मैथिलीन समूह। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, तो अब आपका जो टॉपिक आएगा वो है एथिल एसिटो एसिटेट या एसिटो एसिटिक एस्टर। और इस एसिटो एसिटिक एस्टर की मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर बताई, क्लियर? यस सर। उसी में ये बताया कि इसमें सक्रिय मेथिलीन समूह पाया जाता है जो अपना प्रोटॉन इजी वे में डोनेट कर सकता है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब गुड़िया इसका एक IUPAC नोमेनक्लेचर और बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, IUPAC नामकरण में कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं। किसका चेन का सिलेक्शन करेंगे? कार्बन की चेन। लाओ, तो ये बताइए कितने कार्बन की चेन का सिलेक्शन होगा यहाँ पर? चार। चार। काउंटिंग जो होती है वो आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे या कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ। 1, 2, 3 and 4, राइट? यस सर। और एस्टर के केस में आप लोगों को सबको बता रखा था, एस्टर का जो ये एल्किल समूह है इसको हमेशा IUPAC नामकरण में सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले किसको लिख दिया? एथिल। अब उसके बाद देखो, कार्बन की चैन के साथ में आप लोगों को कोई प्रतिस्थापी नजर आ रहा है? यस सर। तो ये कहलाया तीसरे कार्बन पर ऑक्सो। क्या कहलाया? थ्री ऑक्सो। और कोई प्रतिस्थापी है क्या दूसरे तीसरे चौथे पे? नो सर। कितने कार्बन की चेन है बेटा? चार। चार के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है चेन में या डबल है? सिंगल। सिंगल के लिए एन। एन है। और एस्टर होता है तो अनुलग्न क्या आएगा? ओएट। पूरा नाम क्या बन गया? एथिल थ्री ऑक्सो ब्यूटेनोइट। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ ना, फिर बात आती है अपने पास में इनके नामकरण के बाद में इनके बनाने की विधियां हैं। क्या है? बनाने की विधियां। अच्छा, किसके बनाने की विधि है? एसिटो एसिटिक एस्टर को। किसको बेटा? एसिटो एसिटिक एस्टर। लाओ, तो बनाने की विधियां। इस बनाने की विधि में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लेजन कंडेंसेशन
या क्लेजन संघनन विधि, कौन सी विधि पढ़ेंगे? क्लेजन संघनन। अच्छा सर, क्लेजन संघनन में पहले आप डायरेक्ट बताता हूँ फिर मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है ना? तो ये कहता है दो अणु सबसे पहले एथिल एसीटेट के काम में लो, किसके लेंगे? एथिल एसीटेट। कितने अणु बोला मैंने? दो अणु। दो अणु, तो लाओ दो अणु एसी एथिल एसीटेट की लिख रहा हूं पहले। वापस से बताओ COO, इस समूह का नाम क्या था? कार्बोनिल समूह। और इसके साथ बेटा OH जोड़ दिया तो? कार्बोक्सिलिक समूह। एच जोड़ा तो? फॉर्मिक अम्ल। और CH3 जोड़ा तो? एसिटिक अम्ल। और एक एच हटाया तो? एसीटेट आयन। एसीटेट के साथ C2 जोड़ा तो? एथिल एसीटेट। वेरी गुड। इसी प्रकार दोबारा बताओ ये समूह का नाम क्या है? कार्बोनिल समूह। OH जोड़ा तो? कार्बोक्सिलिक समूह। H जोड़ा तो? फॉर्मिक अम्ल। ये CH3 बना दिया तो? एसिटिक अम्ल। और एक एच यहाँ से रिमूव कर दिया तो? एथिल एसीटेट। नहीं, एसीटेट बस। और ये C2H5 जोड़ा तो नाम क्या होगा? एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल ले लिए? दो। तो एथिल एसीटेट के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाए, किसकी उपस्थिति में कराई जाए? सोडियम एथोक्साइड। और किस माध्यम में कराई जाए? अम्लीय माध्यम में। अच्छा, तो ये कहता है कि यहाँ से एथिल अल्कोहल का निष्कासन हो करके क्या निकल जाएगा? एथिल अल्कोहल। अच्छा, बच्चे को लिख दोगे वापस से? लिखें? यस सर। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या बचा बेटा? CH3 C double bond O। उसके बाद में CH2 C double bond O। हो गया? तो ये बताओ आपका क्या बन गया वापस से? एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ये बन गया एसिटो एसिटिक एस्टर। तो क्लेजन कंडेंसेशन में, क्लेजन संघनन में ये बताओ एथिल एसिटेट के कितने अणु काम मिलोगे? दो अणु। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एथोक्साइड। किस माध्यम में कराएंगे? अम्लीय माध्यम में। दोनों अणु आपस में मिलकर किसका निष्कासन करके? एथेनॉल का। क्या बनाते हैं? एसिटो एसिटिक एस्टर। अच्छा, अब ये बताया था मैंने आपको क्रिया विधि में हमेशा क्या करेंगे, पहले उपस्थिति वाला एक अणु से अभिक्रिया करेगा, फिर कोई भी नाभिक से नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएगा, वो दूसरे अणु से अभिक्रिया करेगा। अब इसकी क्रिया विधि देखें। यस सर। चलो भैया, तो अपने पास में अब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कहता है कि जो सोडियम एथोक्साइड है उसका निर्माण कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ। चलो, तो C2H5OH ये कहलाया एथिल अल्कोहल। क्या कहलाया? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कहलाया। उसकी अभिक्रिया अगर मैं सोडियम धातु से करा देता हूँ तो ये क्या करते हैं? C2H5ONa सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्लियर? यस सर। ये आपके पास जो सोडियम एथोक्साइड मिला, मिल गया? हाँ। उसका ये जो एथोक्साइड आयन है वो क्या करता है? एक अणु एथिल एसीटेट से सहयोग करता है। तो सबसे पहले C2H5O- या एथोक्साइड जो आयन है वो किससे सहयोग कर रहा है? तो C OO कार्बोनिल, OH जोड़ा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, H जोड़ा तो फॉर्मिक अम्ल,
और भैया सी एस थ्री जोड़ दिया जाए तो एसिटिक अम्ल, और अम्ल में से एक एच हटा दिया जाए तो एसिटेट आयन, और सी टू जोड़ दिया जाए सी टू एस फाइव को एथिल एसिटेट। क्या लिख दिया मैंने ये? एथिल एसिटेट। एक अणु है या दो अणु है? एक अणु। तो सबसे पहले एक अणु एथिल एसिटेट इस एथोक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया कर ये किसका निष्कासन कर देता है? एथेनॉल का। एथेनॉल का। और किसकी फॉर्मेशन होगी? सी एस टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो ये बताओ सबसे पहले आपने किसको काम में लिया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एथोक्साइड को काम में लिया, राइट? यस सर। एथोक्साइड बेटा यहाँ पर किसके रूप में काम करता है? उत्प्रेरक के रूप में। मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, हाँ, लेकिन इनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, तो लास्ट में इसको बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरा अणु एथिल एसिटेट का ले रहा हूँ, कौन सा अणु ले रहा हूँ? एथिल एसिटेट का दूसरा अणु, तो देखो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कहलाया एसिटिक अम्ल। क्या कहलाया? एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल के साथ में क्या कर दिया मैंने, एक एच हटा दिया तो एसिटेट आयन बन गया। यस सर। और उसी के साथ में सी टू एच फाइव जोड़ा तो ये क्या बन गया, एथिल एसिटेट हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो अब ये जो दूसरा अणु एथिल एसिटेट का है ये किससे सहयोग कर रहा है आपका, इससे, ठीक? यस सर। लाओ सर यहाँ लिखो, तो सी एस टू सी डबल ओ और ओ सी टू एच फाइव हो गया। यस सर। इस पर चार्ज क्या है? माइनस। माइनस। तो ये किस प्रकार से बॉन्डिंग ब्रेक होती है वो सुनो, ये सी से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ओ की ओर। ओ पर चार्ज क्या आएगा? माइनस। सी पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। प्लस पर कौन अटैक करेगा? माइनस। माइनस। तो ये किसकी फॉर्मेशन होगी, सी एस थ्री सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस और सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एस फाइव, राइट? यस सर। और नीचे क्या बेटा, ओ सी टू एच एच फाइव। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में लिया था? एथोक्साइड आयन। अब वापस से इस एथोक्साइड आयन को निकाल दें। यस सर। ये निकल गया ओ सी टू एस फाइव माइनस निकल गया। यस सर। तो कार्बन पर क्या आएगा बेटा? प्लस। प्लस। ऊपर ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस। ये प्लस माइनस मिलके आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्म, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो गया। यस सर। और सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव। क्लियर? यस सर। इस प्रकार से आपका निर्माण होगा बेटा एसीटो एसीटिक एस्टर का, हो गया। यस सर। ये थी आप लोगों की क्लेजन विधि के द्वारा एसीटो एसीटिक एस्टर का निर्माण किया जा सकता है, समझ जाओगे? यस सर। तो क्लेजन कंडीशन में क्या बताया मैंने, सबसे पहले कितने अणु एथिल एसीटेट के काम मिलेंगे, दो अणु, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एथोक्साइड, कौन से माध्यम में कराते हैं, अम्लीय माध्यम में, दो अणु आपस में सहयोग करके किसका निष्कासन करके, एथेनॉल का, एथेनॉल का क्या बनाते हैं,
एसिटो एसिटिक इसके लिए सबसे पहले एथोक्साइड की किससे कराएंगे, एक अणु से कराएंगे, मध्यवर्ती बनेगा। इसके अभिक्रिया वापस दूसरे अणु से कराएंगे, फिर एथोक्साइड का निष्कासन होकर के एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। आप लोगों को मैंने आज टॉपिक बताया कि मैथिलीन समूह क्या होता है, सक्रिय मैथिलीन समूह क्या होता है और ये अनुनाद के द्वारा कैसे स्थायी होता है। उसी के साथ अगला पॉइंट बताया मैंने आपको एसिटो एसिटिक एस्टर और इसी एसिटो एसिटिक एस्टर का यूपीएससी नाम और स्ट्रक्चर के बारे में बताया और बनाने की एक विधि बताई, क्लेजन संघनन विधि। कौन सी? क्लेजन संघनन विधि। नेक्स्ट लेक्चर में वापस इसके बनाने की दो विधियां और है अपने पास में, एक प्रयोगशाला विधि है और एक एसीटोन के साथ में आप किस प्रकार से बना सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। क्लियर? यस सर।